Hi guys, welcome back to my channel Sumi's tutorial. तो आज मैं आपको ऑरेंज के फ़ायदे बताऊंगी। जी हाँ, आप सभी को पता है कि ऑरेंज हमारे हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छा होता है क्योंकि उसमें विटामिन सी, विटामिन ए, विटामिन बी होते हैं। वैसे ही ऑरेंज के छिलके से हमारे फेस में बहुत सारे आप प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। हमारे फेस को वो बहुत ही ग्लोइंग बनाने में हेल्प करता है। तो आप अब ऑरेंज का छिलका बिल्कुल भी नहीं फेंकोगे मेरा ये वीडियो देखने के बाद। आप उसको पूरी तरह से यूटिलाइज़ करोगे और बहुत ही अच्छा होम रेमेडी बनाने के आपके काम आएगा। आपकी स्किन बहुत ही ज़्यादा ग्लो करेगी और आपके जो भी दाग धब्बे हैं, पिंपल्स हैं, एक्ने हैं, आपके एजिंग साइंस को सबको रिड्यूस कर देगा सिर्फ ये ऑरेंज पील पाउडर। तो आज मैं आपको ऑरेंज पील पाउडर बनाना सिखाऊंगी कि आप घर पे ही कैसे बना सकते हो। मार्केट में अगर आप ख़रीदने जाओगे तो आपको अराउंड 200 रुपीज़ का ऑर्गेनिक ऑरेंज पील पाउडर मिल जाएगा। बट मैं चाहूँगी कि आप घर पे ही बनाओ क्योंकि हम मार्केट में उतना पैसा देने से अच्छा हम घर पे इजी वे में बना सकते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। अगर आप नए हो मेरे चैनल में तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही बेल आइकन को भी हिट कर दे ताकि जब भी मैं न्यू वीडियो अपलोड करूँ आपको उसके नोटिफिकेशन मिल जाए। सबसे पहले मैंने ये ऑरेंज के छिलकों को धूप में सुखा लिया है। मैंने इसे एक हफ्ते के लिए धूप में रख दिया था तो ये अच्छा ड्राई हो चुका है। नेक्स्ट मैंने इन छिलकों को तवे पे 2 से 3 मिनट के लिए गर्म कर लिया है। आपको इसे जलाना नहीं है, बस हल्का सा रोस्ट करना है ताकि ये ड्राई होके इस तरह इजीली ब्लेंड हो सके। अब मैं इसे मिक्सर में एकदम फाइन पाउडर में पीस लूँगी। ये कुछ इस तरीके का हो जाएगा, एकदम पाउडरी। इसकी स्मेल बहुत ही अच्छी है। आप इसे अब इजीली स्टोर करके रख सकते हो किसी भी ग्लास बॉटल में। आप इसे ग्लास बॉटल में इजीली स्टोर करके रख सकते हो रूम टेम्परेचर में। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे ऑरेंज फेस वॉश बनाने जा रही हूँ, या आप ऑरेंज क्लींजर कह लो। तो मैं यहाँ पे ऑरेंज पाउडर ऐड कर रही हूँ इसमें, और मैं यहाँ पे हनी ऐड करूँगी थोड़ा सा। ये एक बहुत ही माइल्ड सा फेस वॉश है, इसे आप डेली बेसिस में आराम से यूज़ कर सकते हो। ये आपके स्किन से एक्स्ट्रा ऑयल को अब्सॉर्ब कर लेगा, आपकी स्किन के पोर्स को डीपली क्लेंस कर देगा। साथ ही मैं यहाँ पर रोज़ वाटर ऐड कर रही हूँ, तो ये मेरा फेस वॉश। तो यहाँ पे मैं अपने गीले फेस पे ऑरेंज फेस वॉश का यूज़ कर रही हूँ, या आप क्लींजर कह सकते हो। इसको आपको नॉर्मली एज अ फेस वॉश ही यूज़ करना है। यह आपकी स्किन को बहुत ही अच्छे से क्लेंस कर देगा, एक्सेस ऑयल को भी रिमूव कर देगा। नेक्स्ट मेरे यहाँ पे सेकंड स्टेप है, स्क्रब बना रही हूँ मैं। तो मैं यहाँ पे ऑरेंज पाउडर ले रही हूँ, साथ ही मैं यहाँ पे चावल का आटा ले रही हूँ। दोनों ही बहुत ही अच्छा एक्सफोलिएटर है। ये आपकी स्किन को बहुत ही अच्छे से एक्सफोलिएट करता है, डेड सेल्स रिमूव कर देता है। साथ ही मैं यहाँ पे सूथिंग के लिए हनी और लेमन ऐड कर रही हूँ क्लींजिंग के लिए। तो ये मेरा एक बहुत ही अच्छा माइल्ड सा फेस स्क्रब रेडी हो चुका है। अब मैं अपने गीले फेस पे स्क्रब लगा रही हूँ। ये स्क्रब आपके डेड सेल्स को रिमूव कर देगा, आपके स्किन से ऑयलीनेस को भी रिमूव कर देगा। ऑयली स्किन वालों के लिए ये स्क्रब बहुत ही अच्छा है। जैसे आप नॉर्मली कोई भी स्क्रब यूज़ करते हो बस वैसे ही आपको इसे अच्छे से स्क्रब कर लेना अपने फेस पे 2 to 3 मिनट्स के लिए। फिर आप अपने फेस को वॉश कर सकते हो। फेस पैक बनाने के लिए मैं यहाँ पे ऑरेंज पाउडर ले रही हूँ, साथ ही मैं यहाँ पे मुल्तानी मिट्टी ले रही हूँ। अब मैं इसमें ऐड करूँगी रोज़ वाटर सूथिंग प्रॉपर्टी के लिए। साथ ही मैं यहाँ पे थोड़ा सा टर्मरिक ले लूँगी क्योंकि इसमें एंटीबैक्टीरियल एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ होती हैं।
अब मैं इसमें मॉइस्चराइजेशन के लिए थोड़ा सा दूध ऐड कर दूंगी। तो ये हमारा फेस पैक, तो ये मेरा ऑरेंज फेस पैक रेडी हो चुका है। अब मैं इस ऑरेंज फेस पैक को अपने फेस में अप्लाई करके 20 मिनट्स के लिए ड्राई होने के लिए छोड़ दूंगी। अब मैं इसे वॉश कर लूँगी। आई होप आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो। अगर वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कर दें। अगर आप नए हो मेरे चैनल में तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सो सी यू सून इन माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय।